बाशा भाई, इस धरती पर तो ऐसा ऐसा सामान दिख रहा है जो हमारे प्लेनेट पर होता ही नहीं है। अगर हम यहाँ से सामान ले जाकर अपने प्लेनेट पर बेचे तो धड़ाधड़ दिख जाएगा। हाँ आशा भाई, तुम सही कहते हो। यहाँ से सामान ले जाके अपने प्लेनेट में बेचे तो हम सबसे बड़े बिजनेसमैन बन जाएंगे। चाय वाले भैया, अब जॉन द जादूगर का कमाल देखो, चीजें गायब करने का धमाल देखो। बच्चा लोग ताली बजाओ। अरे ये तो कमाल हो गया जॉन, इतना अच्छा जादू कहाँ से सीखा? जादूगर अपना सीक्रेट नहीं बताते। अब जल्दी से गर्म गर्म चाय नाश्ता करवा दो और पैसे नहीं मांगना, वरना जॉन द जॉन जादूगर तुम्हारी पूरी दुकान ही गायब कर देगा। मेरी दुकान कोई तुम्हारी जागीर नहीं तो गायब कर दोगे। भागो यहाँ से, बड़े आए मुफ्त में चाय नाश्ता करने वाले। भागो भागो। चाय वाले भैया, जल्दी से गर्मा गर्म समोसे खिला दो। अच्छा भाई, इन धरती वालों के कपड़े तो देखो क्या रंग बिरंगे हैं। हर रोज ये अलग अलग कपड़े पहन सकते हैं, जबकि अपने को तो यही इकलौता लोहे का सूट हमेशा पहने रहना पड़ता है। अगर इनके कपड़े हम अपने प्लेनेट पर बेचें तो सब दौड़ दौड़ के खरीदते आएंगे। पाशा भाई, वो देखो सामने से एक आदमी आ रहा है। हमारा कपड़ा अचानक कैसे गायब हो गया? सीताराम, ये क्या है? लगता है आज सीधा बाथरूम से निकलकर ही चाय नाश्ता करने के लिए आ गए। हम तो अपना नॉर्मल कपड़ा पहनकर ही चाय नाश्ता करने के लिए आ रहा था, रास्ते में अचानक से मेरा कपड़ा गायब हो गया। ये जरूर जॉन ने किया होगा। हाँ, उसने जादू जो सीख लिया है अब सबको परेशान कर रहा है। अभी थोड़ी देर पहले मेरी दुकान पर आया था और कह रहा था कि फ्री में चाय नाश्ता कराओ, नहीं तो दुकान गायब कर दूंगा। अरे अब तो हद ही हो गई, जॉन ने लोगों के कपड़े भी चुराना शुरू कर दिया। हमारा 20 साल का तजुर्बा में हमारे साथ ऐसा कभी नहीं हुआ। सीताराम, रोना मत करो, रोना मत करो, पत्र चलो आज जॉन को उसकी हद बता ही देते हैं। नंबर वन, नंबर टू, बहुत दिन हो गए चोरी नहीं की। लेकिन ऐसे ही चलता रहा तो हमारी चोरी की प्रैक्टिस छूट जाएगी। मैंने किसी भले आदमी को कहते हुए सुना था, प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। जॉन, सीताराम के कपड़े वापस कर दो वरना हम तुम्हें पीटने की प्रैक्टिस करने लगेंगे। क्या? मैंने कपड़े चोरी किए? कपड़े? तुम लोगों ने जॉन को समझ के रखा है? जॉन द डॉन का स्टैंडर्ड का तो तुमने फालूदा बना दिया। मेरे इतने बुरे दिन भी नहीं आए कि मैं जॉन द डॉन कपड़े चोरी करूं। सफेद झूठ बोलता है, सफेद झूठ। हमको अभी चाय वाले ने बताया कि जॉन जादू से चीजें गायब कर रहा था। ये सच है कि मैंने जादू सीखा है, पर टिटपुंजिया चीजें गायब करने के लिए नहीं, क्योंकि मेरा भी कोई स्टैंडर्ड है। मैं कपड़े नहीं चोरी करता। मतलब मैं जॉन से अकेले में कुछ बातें करना चाहता हूँ, शायद इसे याद आ जाए कि घसीटाराम के कपड़े कहाँ छुपाए हैं। ओके जॉन, आओ साइड में। नहीं नहीं, मुझे अकेले में बात नहीं करना, नहीं करना। याद आ गया, याद आ गया, सब कुछ याद आ गया। बताता हूँ, बताता हूँ, मैंने चोरी नहीं की। वाह, क्या सब्जियाँ! अरे बाप रे, अरे बाप रे, अरे बाप रे, इतने मिस्टिंग का क्या? नहीं नहीं, तुम्हारे घर के बाहर से कपड़े गायब हो गए, यह इम्पॉसिबल, यह इम्पॉसिबल। तुम्हारा झूला चोरी हो गया, छोड़ूंगा नहीं। अरे भाई, ये क्या हो रहा है? पुरपुरी नगर में ये क्या हो रहा है? इतना सामान चोरी करके जॉन रख के का कहा? मैं उस जॉन को नहीं छोड़ूंगा, कानून की कसम, भरत माता की कसम, नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा। पाशा भाई, ये चीज कितनी बढ़िया है, जब चाहे इस पर बैठो और मस्त खुली हवा में घूमो। ये तो अपने लिए ही ले लेते हैं। मेरी बाइक कहाँ गायब हो गई? कैसे? हाउ 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 हाउ। लगता है ये जॉन का जादू का ही कमाल है। कमाल नहीं, उसके शैतानी दिमाग का पितूर है। मेरी बाइक चोरी हो गई। पाशा भाई, चोरी करे हम और नाम आता है जॉन का। लगता है इनके यहाँ जॉन नाम का आदमी ही कोई भाई है। खैर अपने को क्या, सामान उड़ाओ और फिर खुद उड़ जाओ। चिंगम के चंगुल से बचने
बोले यम पॉसिबल, बोले तो यम पॉसिबल। जॉन जब भी लौटा, नहीं लौटाऊंगा जब तक असली चोर का पता नहीं चल जाता। मैं यहीं पर रहूंगा और मार नहीं खा सकता। चिंगम सर, जॉन को जेल में ही बंद रहने दो। अगर ये यहाँ रहा और चोरियाँ फिर भी होती रही, मतलब जॉन सच बोल रहा है। ओके बतलाओ, ओके 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 ओके। अरे माँ, बिना बाइक का मैं दौरा कैसे करूँगा? राउंड पर कैसे जाऊँगा? जॉन को आपकी बार में उम्र कैद की सजा दिलवाऊंगा। लेकिन चिंगम सर, जिस कॉन्फिडेंस से जॉन मना कर रहा था, मुझे लगता है कि अब की बार जॉन सच में बेकसूर है। पाशा भाई, इस आदमी का दिमाग तो बहुत तेज चलता है, कहीं ऐसा ना हो ये हमारी पोल खोल दे। इसको उड़ा लो पाशा भाई, उड़ा लो। ये तुम्हें क्या हो रहा है? तुम गायब क्यों हो रहे हो? अरे तुम तो गायब ही हो रहे हो। पतलू 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 गायब हो गया। मेरा दोस्त, मैं तुम्हें बचाऊंगा पतलू, मैं तुम्हें बचाऊंगा। इस समय अगर पतलू होता तो क्या बोलता, क्या बोलता? मोटू, समोसे खाओ और शुरू हो जाओ। मेरे दोस्त को गायब किया। हाँ, नहीं छोड़ूंगा। ये ले, ये ले, ये ले, ये ले, सामने आओ, नहीं तो। ओए भाई, सुनिए पर्पल वाले हो, तुम तो कौन हो? लगते तो एलियन जैसे हो यार। अरे मैं जॉन को बुला लेता हूँ, वो भी आके देखे कि असली चोर कौन है। हेलो जॉन। मैं हूँ आशा भाई, और ये मेरा दोस्त पाशा भाई। तुम दोनों ही सबको गायब कर रहे हो? हाँ हाँ, हम ही कर रहे हैं। और सुनो, हम टुनटुन प्लेनेट से आए हैं और यहाँ पर सब कुछ हमने ही गायब किया है, और तुम्हारा दोस्त वो भी हमारे पास है, और अब हम उसे ले जाकर वहाँ बेचेंगे। क्या, तुम दोनों मेरे दोस्त को बेचोगे? चाय वाले भैया समोसे दो। पाशा भाई, ये आदमी तो बहुत ताकतवर है। बस करो, बस करो, प्लीज बस करो और मत मारो। अरे तुम हमसे बहुत ताकतवर हो, जल्दी मेरे दोस्त को वापस करो। मुझे भी देख दो, किसने अपने जुर्म का इल्जाम मेरे मथे मंझा है। इन दोनों ने सामान गायब किए और धुलाई मेरी होती रही। चिकन सर, इन्हें अरेस्ट कर लो, इन्हें छोड़ना मत। ये लो हमारा चोरी किया हुआ सामान, और हम जाते हैं, दोबारा कभी ऐसा नहीं करेंगे।
killing spree for the red team!